एवरी डे इज नॉट अ संडे, यानी हर रोज इतवार नहीं होता। झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के लिए कम से कम यही सबक दिया है। जनता के मुद्दे को भटकाकर अपनी मर्जी के हिसाब से मुद्दे लादकर हर बार चुनाव नहीं जीता जा सकता। झारखंड के नतीजों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब देश की जनता रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए रोज संघर्ष कर रही हो और बड़ी हसरत से उस पार्टी की ओर टकटकी लगाए रखे जिसने महंगाई कम करने का नारा देकर अच्छे दिन लाने का भरोसा दिया था। 150 रुपए किलो प्याज और 35 से 40 रुपए किलो में आलू खरीदने वाली जनता जब महंगाई की मार और बेरोजगारी की पीड़ा से करा रही हो, तब सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालने का नारा लगाकर जख्म पर नमक छिड़कने का काम करे तो नतीजे ऐसे ही आते हैं। इस नतीजे ने एक और पहलू पर रोशनी डाली है कि केवल 2 साल के भीतर बीजेपी किस तेजी से सिकुड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पार्टी बीजेपी की ताकत का अंदाजा पिछले सालों से तौला जाए तो हकीकत कुछ और ही निकल कर सामने आती है। दिसंबर 2017 में बीजेपी और उसके सहयोगियों की 19 राज्यों में सरकार थी, लेकिन दिसंबर 2019 तक आते आते 3 राज्य सरक गए और बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 16 राज्यों पर आकर टिक गई। उनमें से भी 2 राज्यों कर्नाटक और हरियाणा में किस तरह से बीजेपी ने सरकार बनाई ये भी किसी से छिपा नहीं है। दिसंबर 2017 में बीजेपी को पूरे देश भर में 71% वोट मिले थे, लेकिन दिसंबर 2019 तक आते आते बीजेपी की वोट फीसद घट के 36% तक आ गई। झारखंड में ही इस बार बीजेपी का 16% वोट ग्राफ गिरा है। हाल के कई राज्यों के चुनावी नतीजों का मंथन करें तो ये भी लगता है कि नए नए प्रयोग करना भी बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जैसे गैर मराठी नेता पर दांव लगाना बीजेपी को भारी पड़ा। कहीं ना कहीं मराठी मानुष में मराठा नेतृत्व को लेकर कसक थी, जिसकी भरपाई उसने नतीजों से कर ली। हरियाणा में भी गैर जाट सीएम मनोहर लाल खट्टर का चेहरा भी बीजेपी के लिए भारी पड़ा। मोदी शाह के करिश्मे में डूबे हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले सोनिया गांधी ने गैर जाट प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दे दी, तो हाशिए पर पड़ी कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता में सीधे सीधे आने का रास्ता रोक दिया। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए उस पार्टी से हाथ मिलाने पर मजबूर होना पड़ा जिसको वो चुनाव में पानी पी पी कर कोस रही थी। कुछ यही हाल आदिवासी बहुल झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने गैर आदिवासी घोड़े रघुवर दास पर दांव खेला जो उसके लिए भारी पड़ गया। झारखंड का नतीजा बीजेपी के लिए 440 वोल्ट का करंट है, क्योंकि अगले साल देश की राजधानी दिल्ली, पड़ोसी राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। अगर बीजेपी इस बार भी स्थानीय मुद्दे को हाशिए पर रखकर देशभक्ति की नाव पर सवार होती है तो डूबने का खतरा भी हो सकता है। आकाश शुक्ल, रांची।